देखें आप लोग, आज टॉपिक हमारा ये है कि हमने बटन पे क्लिक करें तो मोडाल, पहले मोडाल कैसे बनाते हैं हम वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक मोडाल बना रहा हूँ। मोडाल बेसिकली जो ऊपर डायलॉग बॉक्स आता है उसको कहते हैं मोडाल। यहाँ तक बात क्लियर है, मोडाल जो कहते हैं। अच्छा, अब इसके साथ में इसकी लाइब्रेरीज को अटैच कर लेता हूँ, वो हमने यहाँ पे रखी हुई है, PHP इंक्लूड। इंक्लूड के अंदर मैंने रखी हुई कनेक्शन, उसके बाद किस नाम से फाइल मैंने बनाई हुई है, बूटस्ट्रैप लिंक्स के नाम से, जिसके अंदर बूटस्ट्रैप के लिंक्स हैं, .php। ये आपकी फाइल यहाँ पे अटैच होगी, ये सारी आपकी ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद हमने मोडाल को बनाना है। मोडाल को हम कैसे बनाएंगे, मोडाल को हम इस तरह बनाते हैं, हम डेव बनाता हूँ मैं, डेव डेव ओपन की, डेव स्टार्ट की। इस डेव के अंदर आपने बेसिकली इसको क्लास देनी है मोडाल की, ये हमारा बेसिकली मोडाल है। ओके, ये हमारे क्या है बेसिकली मोडाल में, डेव स्टार्ट किया, डेव बन किया, आपने इसको क्या देना है, ये हमारा मोडाल है। अच्छा, अब इसके अंदर अब आपने एक और डेव बनाना है और इसके अंदर दे देना है मोडाल का कॉन्टेंट। ये बेसिकली आपने बताना है कि इसके अंदर मोडाल का क्या है, कॉन्टेंट है। कंटेंट के अंदर पहले मोडाल बनाए, मोडाल के अंदर एक और डिव आता है जिसको हम कहते हैं मोडाल का कंटेंट है, और इसके अंदर हमने बेसिकली तीन डिव बनाने हैं, जिसके अंदर एक मोडाल का हेडर है। और कौन कौन से पोर्शन होते हैं, हेडर होता है और कौन से होते हैं, हेडर एक होता है, हाँ गुड, मोडाल की बॉडी और एक होता है मोडाल का फुटर। ये तीन चीजें आपने बनानी है मोडाल का फुटर, क्लियर। उसका हेडर मतलब जो हेडिंग, जो बीच में जितनी आ रहा है सारी उसकी बॉडी होगी, और जो एंड पे है उसका क्या है यहाँ पे फुटर। ये आपने सारा डिजाइन कर लिया। अच्छा, अब हेडर के अंदर मैं यहाँ पे हेडिंग वन लगा देता हूँ, हेडिंग वन में लिख देता हूँ व्यू स्टेटस, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ मोडाल हेडिंग। मोडाल की बॉडी, मोडाल की बॉडी में जो आपने दिखाना है, मैं यहाँ पे पैराग्राफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आर यू श्योर यू वांट टू गो। ये मैंने जो उसकी बॉडी बनानी है, जितना भी आपने काम करा वो मैंने इसमें कर दिया। और फुटर के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फुटर के अंदर मैं बेसिकली एक बटन बना लेता हूँ क्लोज का, जिसके थ्रू उसको मैंने बटन करना है, बंद करना है। बटन टाइप बटन, इसकी टाइप बटन इसलिए रखूंगा ताकि ये पेज को रिफ्रेश ना करे, वरना जो सबमिट वाला बटन होता है वो पेज हो क्या करता है, रिफ्रेश करता है। और बाय डिफॉल्ट अगर आप बटन लिखते हो उसकी टाइप सबमिट होती है, आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज। अब जरा इसको चला के देखते हैं, अभी आपके सामने कोई व्यू नहीं आ रहा बेसिकली, क्योंकि ये डिव जो है ये आपने मोडाल का डिजाइन किया है। हमने बेसिकली मोडाल को ओपन करना है, मोडाल को ओपन किस तरह करूंगा, मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन टाइप बटन, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक, लिख देता हूँ कुछ भी अगर आपने लिखना है। ये आपको देखो यहाँ पे चेक वाला बटन नजर आ रहा है, डन। इसको क्लास लगा देते हैं हम, btn स्पेस btn डेंजर की, ये आपका बटन रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बात यहां तक, ये आपको बटन नजर आ रहा है। अब इस बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो मेरा बेसिकली मोडाल ओपन हो, हमने ये काम करना है, ठीक है। जब इस बटन पे मैं क्लिक करूं तो मेरा बेसिकली क्या ओपन हो, मोडाल ओपन हो। तो मोडाल को किस तरह करेंगे, अब यहाँ पे अब आपने लिखना है बेसिकली तीन चीजें आपने यूज करनी है, एक होता है डाटा टॉगल, एक होता है डाटा डिसमिस, और तीसरा है डाटा टॉगल, डाटा डिसमिस और डाटा टारगेट। ये तीन चीजें हैं आपकी, इनमें क्या मतलब है, डाटा टॉगल का मतलब है कि चीज को आपने ओपन कराना है, वो आपने बटन के थ्रू ओपन करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डाटा टॉगल
कि हमने बेसिकली किसको ओपन कराना है, डेट टॉगल में हम लिखेंगे मोडाल को हमने ओपन कराना है। क्लियर बात यहां तक? अब मोडाल को ओपन कराना है तो बेसिकली ये मेरे मोडाल का एक डिजाइन है जो मैंने अभी डिजाइन किया है। आपके हो सकता है मोडाल के काफी सारे डिजाइन हो, मल्टीपल डिजाइन हो, देन आपने हर बटन पे एक मोडाल को सेट किया हुआ है और उसका एक डिजाइन आपने ओपन कराना है। अब हर मोडाल का जो कोड होगा वो सेम टू सेम यही होगा, क्योंकि आपने उसकी मोडाल क्लास लगानी पड़ेगी तब मोडाल बनेगा। मोडाल का कंटेंट क्या, हेडर फुटर ये और बॉडी आप बताओगे और बटन क्लोज। अब आपने हर बटन पे एक मोडाल ओपन करना है, हर मोडाल का डिजाइन डिफरेंट है, तो इसको आप बेसिकली यहाँ पे यूज करोगे आईडी के थ्रू। इसको मैं आईडी दे देता हूँ मोडाल वन की। किसकी आईडी दे दी मैंने? मोडाल वन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि डायरेक्ट टॉगल किस बटन के थ्रू मैंने मोडाल को ओपन करना है, लेकिन टारगेट मेरा कौन है? डाटा टारगेट। टारगेट अब आप यहाँ पे बताओगे डेटा टारगेट यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप लिखोगे हैश मोडाल वन के, मैंने आईडी के थ्रू बता रहा हूँ, हैश मोडाल वन। ओके, अब इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ रिफ्रेश करके, अब इस पे क्लिक किया, ये देखो आपके सामने मोडाल ओपन हो रहा है। डन बात यहाँ तक, इसको मैं क्लोज करता हूँ, मैंने यहाँ पे कोड करना है। यहाँ तो की मसला है, शो करता है कि हमारी आईडी है। ओके अच्छा, अब हमने लास्ट अब एक और करना है डेटा टॉगल, जो हमने मोडाल को ओपन कराना है, डेटा टारगेट के मेरा मोडाल वन को ओपन कराना है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्लोज का बटन बनाया है, ये आप देख रहे हैं जो क्लोज का बटन यहाँ पे ओपन हो रहा है, दिस वन। इस पे थोड़ी हम CSS कर लेते हैं, वो लगा लेते हैं, क्लास लगा लेते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ btn स्पेस btn सक्सेस, मैंने सक्सेस लिख दिया। अभी अब आप यहाँ पे देखें आपको बटन किस शेप में आ जाएगा। क्लियर, और इसको मैं यहाँ पे डाटा डिसमिस लगाऊंगा, और डाटा डिसमिस में इसको मैं बताऊंगा, डाटा डिसमिस का मतलब होता है बंद करना, डाटा डिसमिस मोडाल, कि किसको इसने बंद करना है? मोडाल को बंद करना है। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं क्लिक करता बंद नहीं हो रहा था, अब मैं क्लिक करूँ तो ये क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है। यहाँ तक कोई मसला? अभी देखो जिसमें मॉडल बनाना बता रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर बताता हूँ इसको भी। मैं आपको यूज करना बताऊंगा, जिस तरह मैं लॉग आउट करने लगूँ वहां पे मैं क्लिक करूँ तो आपको कहें आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। ठीक है, मैं डिलीट करना चाहूँ, डिलीट भी एक दफा चेक आपसे पूछे कि आप वाकई में करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। क्लियर बात यहाँ तक? इस तरह की चीजें हैं जो आपने यहाँ पे इनको बतानी होती हैं। क्लियर? ओके, अब आप यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और ये आपका यहाँ पे इस तरह करके ओपन हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे और एक काम कर लेते हैं, इस बटन पे पहले एक चीज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ML मार्जिन लेफ्ट 5 या M5 लिख देता हूँ, चारों तरफ से ये मार्जिन दे दें। अब ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये नजर आ रहा है फुल व्यू पे आ रहा है। अगर आपने इसको छोटा करना है तो फिर अब आप एक काम करोगे कि आप यहाँ पे एक और डेव बनाओगे छोटा करने के, और यहाँ पे लिखोगे डेव क्लास मोडाल डायलॉग। डायलॉग करोगे तो ये बेसिकली आपका किस पे आ जाएगा, छोटा हो जाएगा फिर ये आप आपका। अब अगर मैं मोडाल डायलॉग बना के ये सारा कोड मैं मोडाल डायलॉग के अंदर करता हूँ, अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अभी चेक करें अब क्या हो गया, छोटा हो गया। क्लियर? अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे बेसिकली क्लास जो आपने लगानी है वो आपकी है मोडाल, यहाँ पे मोडाल हेडिंग के नाम से थी तो सही, एक सॉरी मोडाल टाइटल के नाम से, मोडाल का टाइटल आपने सेट करना है। यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, ये आपने सेट किया, ये आपका मोडाल का क्या है, टाइटल हो गया। क्लियर? अच्छा, मैंने यहाँ पे भी क्रॉस का एक सिंबल लगाना है कि जिसके थ्रू मैं यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करूँ तो मेरा यहाँ पे क्या हो,
बंद हो जाए। ये तो आपने बटन बना दिया, इसके थ्रू हमारा क्लोज हो रहा है। यही काम हमने ऊपर भी करना है, मतलब यहाँ पे करके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, हाँ उसके लिए हमने बेसिकली यहाँ पे क्रॉस साइन बनाना है, जिसके थ्रू ये क्या हो, ऑटोमेटिकली क्लोज हो। तो यहाँ पे भी आप बटन बनाओगे, बटन बटन को यहाँ पे क्लास क्या दोगे, बटन स्पेस, ये हो गया। और बटन के अंदर हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, एंड टाइम्स। एंड टाइम्स वाला कौन सा बटन होता है हमारा, ये क्रॉस का सिंबल आता है आपका, क्लियर। इसको मैं यहाँ पे डाटा डिसमिस, इसमें भी हमने डिसमिस ही करना है इसको बेसिकली, जिस तरह हमने नीचे किया था डाटा डिसमिस। और किसको बंद करना है, हमने मोडाल को बंद करना है। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि आपने मोडाल को बंद करना है। अब इस पे क्लिक करोगे मोडाल आपका बंद होगा, ठीक है। लेकिन इसको भी हमने क्लास लगानी है इस बटन को, इस बटन को मैं क्लास लगाऊंगा क्लोज की। अब जब इसको मैंने क्लोज पे क्लिक किया, ये देखें अब वो साइड वाला व्यू खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, क्लोज पहले बटन बना हुआ नजर आ रहा था यहाँ तक, डन। अब आपने इसके अंदर पूरा फॉर्म बनाना है बॉडी के अंदर, इट्स अप टू यू सर, हम काम कर सकते हैं। अगर आपने इतना ऐड करते हैं, ऐड रिकॉर्ड, मोडाल पे रिकॉर्ड ऐड करवाना है, फॉर्म बनाना है, लेकिन इस पे इतना बड़ा फॉर्म नहीं बनाना जितना बड़ा आप सोचते, इतने बड़े हम चार चीजें पूछें, इसमें छोटा सा फॉर्म बनता है, क्लियर। जिस टाइप ऑफ लॉग इन वगैरह, एक छोटा सा फॉर्म बनता है, इस पे इतना बड़ा फॉर्म नहीं बना देना आपने। अच्छा ये हो गया हमारे यहाँ पे बात। अच्छा अभी देखो ये आपका जो ओपन होता है, मैं चेक पे क्लिक करता हूँ, सिंपल वे में ओपन हो रहा है, चेक करें, सिंपल वे में ओपन हो रहा है। मैं बटन बंद कर रहा हूँ, सिंपल वे में बंद हो रहा है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने इसको थोड़ी एनिमेटेड करना है, तो मोडाल के साथ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फेड। अब ये फेड से क्या होगा, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, क्या हुआ है, अब देखो अब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, एनिमेटेड हो गया काम, जिस मैंने क्लास कौन सी लगाई है, फेड की क्लास लगाई, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला, ओके 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 ओके। इसके अलावा यहाँ पे जब हमने मोडाल है, मोडाल डायलॉग सेंटर, अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये आपका सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, पहले और अब में फर्क नजर आ रहा है, पहले कहाँ पे था, टॉप पे था, अभी आपकी सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आ रहा है मोडाल, ओके यहाँ तक बात। और अगर आपने स्क्रॉलिंग लगानी होगी तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा मोडाल डायलॉग स्क्रॉलेबल, लेकिन स्क्रॉलेबल बेसिकली अभी नहीं आएगा, स्क्रॉलेबल तब आता है जब ये ज्यादा स्क्रीन से ऊपर चला जाए तो स्क्रॉलिंग आएगी, वरना भी नहीं आएगी। अभी देखो नहीं यार, जब ज्यादा कर दोगे तो स्क्रॉलिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्लियर बात यहाँ तक। अब इसकी जरूरत नहीं, जिस सेंटर तक है, सेंटर तक लगाया आपका ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ रहा है, ओके डन। अच्छा बाबू चीज समझ में आ रही है, अगर मैंने ये मैंने बेसिकली मोडाल का डिजाइन बनाया है, आपने यहाँ पे मोडाल के जितने मर्जी डिजाइन बनाने आप बना सकते हैं, और ये बेसिकली ये बटन या किसी भी चीज के थ्रू आपको मोडाल को ओपन करना पड़ेगा, मोडाल ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता, ठीक है। मोडाल को ओपन करने के डेटा टॉगल और डेटा टारगेट यूज किया जाता है। टॉगल का मतलब है कि मैंने मोडाल को ओपन करना है, टारगेट का मतलब है किस मोडाल को ओपन करना है, ठीक है। डेटा डिसमिस का मतलब है कि मैंने मोडाल को बंद करना है, इसको आप क्लोज वाले वर्ड से करो, बटन के थ्रू करो, ये आपकी अपनी मर्जी है, बस उसके अंदर आपने डेटा डिसमिस मॉडल लगा देना, तो वो ऑटोमेटिकली क्लिक पे आपका ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लियर, ओके। अब हमने ये चीज यूज करनी है यहाँ पे व्यू में। अब व्यू में अब आप कैसे करेंगे, ये एक दफा आप पहले ये देख लीजिए, ये हमारा कोड है, ये भी हमने यहीं पे यूज करना है, ये पहले चीज देख ले आपको ये चीज क्लियर है, ओके। यार इधर देखें आप लोग, बटन की अगर मूवमेंट वगैरह करनी हो, बूटस्ट्रैप 4 के अंदर वैसे क्लासेज है, इसके अंदर बूटस्ट्रैप 3 के अंदर पुल के नाम से थी, इसके अंदर फ्लॉट के नाम से है, फ्लॉट राइट में कर देता हूँ, ये अब आपका ऑटोमेटिकली बटन फ्लॉट राइट पे आ जाएगा, राइट साइड पे आ गया। बाकी इसके नीचे आप मार्जिन दे दें, फिर MB 4 मार्जिन बॉटम 4, ये आपका ऑटोमेटिकली लग क्यों नहीं रहा, मार्जिन
तो लगा क्यों नहीं है? इसको मैं कर देता हूं फ्लॉट, और इसको मैं कर देता हूं फ्लॉट पल, इसको भी हम देख लेते हैं, इसको मैं बताता हूँ क्या इशू आ रहा है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे काम करना है, मैं यहाँ पे जब क्रॉस पे क्लिक करूँ तो आपका बेसिकली क्या ओपन हो, मोडाल ओपन हो, डन। और उस पर अगर मैं यस पे क्लिक करूँ तो आपका ऑटोमेटिकली वो क्या करे, उसको डिलीट कर दे रिकॉर्ड को। ओके, वो आपने करना कैसे है? अच्छा, अभी आपके यहाँ पे मोडाल में बेसिकली एक बटन आ रहा है, एक बटन ही, हम मजीद बटन बना सकते हैं, आपने जितने मर्जी बटन बनाने हैं कोई इशू नहीं है। और ये होता है कि आप यहाँ पे बटन को और बढ़ाते रहें, यहाँ पे एक बटन लगाया, यहाँ पे एक और बटन लगा दें, आपका एक और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दो बटन शो कर देगा। ये मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखें दो बटन शो कर रहा है, क्लियर। ओके, अच्छा यही कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये मैं डे वाला कोड यहाँ पे उठा लेता हूँ, जब हमने डे वाला कोड करना है, हमने ये बनाना है। अब ये यहाँ पे, अब हम कहाँ पे करेंगे, आपने यहाँ पे कहाँ पे करना होगा, ये आपने बेसिकली इस लूप के अंदर करना होगा, ठीक है, ये आपने इस लूप के अंदर करना होगा। क्यों लूप के अंदर क्यों करना है, लूप के अंदर करने का मेरा मतलब ये है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो आपका आईडी जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे जाए, तो आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, इस लूप के अंदर, क्योंकि लूप के बाहर जाओगे फिर आपका आईडी सेव नहीं होता। लूप के अंदर आपका सेव है, जिसमें हम यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका वेरिएबल पास कर रहे हैं डॉलर ए का, और ये आ कहाँ से रहा है, इस लूप में से आ रहा है। तो मैं इसी जगह यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ, आफ्टर दिस मैं यहाँ पे ये कोड लगा रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं कोड लगा रहा हूँ तो ये आपका डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ये हमारा HTML है, बाकी कोड हमारा कौन सा चल रहा है, PHP का चल रहा है, क्लियर। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ इको डबल कोड स्टार्ट, और यहाँ पे जो अंदर जितने भी हैं दो, उसको मैं किसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, सिंगल कोड्स में कर देता हूँ, बाकी आपका इको में आ जाएगा दिस वन। इन सब डबल कोट्स को मैं सिंगल कोट्स में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि आपको डबल कोट्स का मैंने इशू बताया हुआ कि डबल कोट्स का इशू क्या आता है। क्लियर, यहां तक मेरा डेव है, और यहाँ पे आके मैं इस डबल कोट्स को बंद करके यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, सेमी कोलन लगा देता हूँ। ये इको का मतलब मैंने आपको कहा था कि इको के अंदर हम पूरा HTML कोड कर सकते हैं, ये मैंने पूरे इको के अंदर क्या कर दिया, मोडाल का कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ तक कोई मसला आप लोगों को, कोई मसला नहीं? अच्छा, अब मैंने यहाँ पे करना क्या है, अब हमने ये वाला कोड तो कर दिया जिसके थ्रू हमारा डिजाइन है, लेकिन ये बटन वाला कोड नहीं किया जिसके थ्रू मैंने ओपन कराना है, मोडाल को ओपन कराना भी तो है ना आपने। अच्छा, मोडाल को ओपन कराना है, तो अभी हम आपका बेसिकली कहाँ पे क्लिक कर रहे हो, अभी आप बेसिकली यहाँ पे, ये हमारा एडिट का है, ये नीचे वाला, ये हमारा डिलीट का, अभी मैं डिलीट पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी ये बेसिकली इसको किस पेज पे भेज रहा है, अगर मैं क्लिक करता हूँ ये इस रिमूव वाले सिंबल पे, तो इसको किस पेज पे भेज रहा है, हाँ डिलीट के पेज पे भेज रहा है, डिलीट हो रहा है। मैंने अभी क्या करना है, मैंने अभी यहाँ पे HREF यूज नहीं करना, क्योंकि HREF यूज करोगे तो उसको डिलीट वाले पेज पे भेजेगा, डिलीट का पेज जब चला तो उसने क्या कर देना, रिकॉर्ड को डिलीट कर देना। मैंने अभी इसको डिलीट के पेज पे नहीं भेजना, अभी बेसिकली आपका सिंपल सा ये टेक्स्ट एंटर और ये एफ ए रिमूव का आपका बटन नजर आया, मैं यहाँ पे चलाता हूँ, अभी आपको सिंपल सा एक बटन नजर आ रहा है, और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो अब कुछ नहीं हो रहा है, क्लियर। पहले क्लिक करने से वो कहाँ पे भेज रहा था, HREF डिलीट वाले पेज पे। अब मैंने खत्म कर दिया लिंक, अब मैंने क्या करना है, मैंने बेसिकली कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि जब इस क्रॉस पे मैं क्लिक करूं तो मेरा ओपन क्या हो, मोडाल। मोडाल को ओपन किस तरह करते हैं, इस स्पैन के अंदर काम करेंगे, किसने ओपन करेंगे, बटन के थ्रू तो करते हैं, मैंने आपको कहा जरूरी बटन के थ्रू नहीं है, आप किसी की चीज के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा
स्पैन के अंदर लगाना है, क्योंकि हमने कॉलम के ऊपर नहीं ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। स्पैन बेसिकली आपको सिंबल प्रोवाइड कर रहा है, तो स्पैन के अंदर क्लास आपने लगा दी है जिसके अंदर सिंबल आ रहा है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या दूंगा, लाने के लिए क्या यूज करते हैं, डेटा टॉगल, ठीक है। जरूरी नहीं बटन के ऊपर आप लगाओ, किसी भी चीज के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। डेटा टॉगल किसको ओपन करना है, मैंने मोडाल को ओपन करना है, ठीक है। और डेटा टारगेट, मेरा टारगेट क्या है कि मैंने किस वाले को ओपन करना है, उसकी आईडी मैंने क्या रखी हुई है, मोडाल वन रखी है। आपने अगर एडिट का डिलीट का लदा लदा बनाना है तो यहाँ पर डिजाइन बना दो, ये अब आपका बेसिकली बताओगे कि किसको आपने ओपन करना है, क्लियर। हाँ सॉरी, हैश भी यूज करना है यहाँ पे विद हैश। अब हम यहाँ पे चलाते हैं, अभी देखो अब आपका डिलीट के पेज भी नहीं लेके जा रहा, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपका मोडाल ओपन करना जो आपने डिजाइन किया हुआ, क्लियर बात यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे व्यू स्टेटस की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट रिकॉर्ड। डिलीट रिकॉर्ड में हमने भेजा यहाँ पे, क्लियर। और आर यू श्योर यू वांट टू, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऊपर वाले नीचे वाले बटन पे तो क्या रहा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अब मैंने दो बटन यहाँ पे बनाने के, एक तो बटन होगा जिसके थ्रू मैं क्लोज कर सकूं और एक बटन वो होगा जिसके थ्रू मैं डिलीट कर सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बटन आपका बना हुआ है, दूसरा बटन भी हम बना लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसके स्टार्ट में बना लेता हूँ, और ये हमारा क्लोज का बटन है और ये हमारा बटन होगा, इसमें मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट, कि मैंने अगर एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो उसको डिलीट कर दे। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक आ रहा है एक्सेप्ट और एक आ रहा है क्लोज, ठीक है। क्लोज को मैं यहाँ पे दे देता हूँ कलर डेंजर का। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें एक्सेप्ट एंड क्लोज, क्लियर। अच्छा, इस क्लोज वाले बटन से मैंने डायलॉग ओपन करना था, तो मैंने उसके स्पैन में क्या लिखा था, ऊपर वाले स्पैन में कि डाटा डिसमिस और डाटा, सॉरी डाटा टॉगल और डाटा टारगेट, ये मोडाल को ओपन करा रहा था। अब मैंने आगे क्या करना है, मोडाल मेरा ओपन हो गया, क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो ये बंद हो जाए, लेकिन अगर मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूँ तो ये डिलीट वाले पेज पे चला जाए, जो मैं AHRF के थ्रू काम कर रहा था वो मैंने एक्सेप्ट पे अब काम करना है, क्लियर। अब वो जो हमने उधर काम किया हुआ था वो सेम टू सेम हम इधर कर देंगे काम, लेकिन एक चीज का आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्सेप्ट के अंदर बटन की टाइप इसने क्या रखी हुई है, बटन इसकी टाइप आपको करनी पड़ेगी सबमिट, सबमिट के थ्रू काम होगा ये, क्योंकि सबमिट जब तक पेज रिफ्रेश नहीं होगा डेटाबेस में चेंजिंग नहीं होगी। डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कराना है तो भी आपको बटन टाइप सबमिट यूज करना पड़ेगा, टाइप बटन से कुछ नहीं होगा। डेटा डिलीट करना है, अपडेट करना है, सारा काम किसके थ्रू होता है, सबमिट के थ्रू, क्योंकि ये पेज को रिफ्रेश करके डेटा गेट करता है। अच्छा, क्लास BTN स्पेस BTN सक्सेस। अब इसके अंदर हमने मोडाल को बंद तो नहीं करना है, ये बटन का काम हमारा मोडाल बंद करना नहीं है, क्लियर बात यहां तक, ओके। अब इस बटन के अंदर मैं करूंगा क्या, इस बटन के अंदर मैंने वहां पे काम करना है AHRF वाला, और जो हमने ऊपर काम किया हुआ था वो क्या काम किया हुआ था, AHRF, उसके अंदर पेज कौन सा ओपन करा रहा था मैं, डिलीट डॉट PHP का, और यहां पे आके मैं इस A के टैग को बंद कर देता हूं जो हमने ऊपर काम किया हुआ था सेम टू सेम, और इसके अंदर हम आईडी पास कर देते हैं क्वेश्चन मार्क, ID is equal to dollar ID जो ऊपर से मेरे पास वेरिएबल आ रहा है, डन बात यहां तक। ये मैंने काम किसके अंदर कर दिया, सबमिट वाले बटन के अंदर। अब अगर मैं आपको यहां पे चला के दिखाता हूं, अनडिफाइंड वेरिएबल ID, why? Which one? कोई मिसिंग नहीं है, सॉरी ए के नाम से मैंने आईडी लिख रहा हूँ, दिस इज ए, किस नाम से है, मैंने ऊपर जो वेरिएबल बनाया वो ए के नाम से बनाया हुआ है, डन, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही, मैं आईडी लिख रहा था यहाँ पे ए के नाम से। अब अगर हम चलाते हैं यहाँ पे, आपको क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं लेट्स सपोज अवैस के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मैंने यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, मेरा डाटा डिलीट नहीं हुआ, मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ, मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ, डाटा
डिलीट हो गया, यहां से भी डिलीट हो गया और यहां भी देख लो यहां से भी डिलीट है। कोई मसला यहां तक? क्लियर? ओके, ये आपको यहां पे रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब इसी तरह काम अगर आपने ये एडिट पे करना है तो एडिट पे भी अब आप इस तरह के काम करते रहेंगे। डन बात यहां तक? कोई इशू? ये हमारा बेसिकली मॉडल के थ्रू यूज हो रहा। ओके, नेक्स्ट वन, अब हम यहाँ पे कुकीज देख लेते हैं। व्हाट इज कुकीज? कुकीज देख लेते हैं, कुकीज क्या होती है। आपने भी सेशन देखे थे, सेशन आपके बेसिकली सर्वर साइड पे चलते हैं, कुकीज हमारी बेसिकली चलती है ब्राउजर साइड पे। कुकीज वाली वो वैल्यूज होती है जो हम ब्राउजर पे सेव करते हैं, जिस तरह आपके पासवर्ड वगैरह वो कुकीज में सेव होते हैं। ठीक है, तो कुकी हम बनाते कैसे हैं अब आपको वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन आपने यूज करना है सेट कुकी के नाम से। सेट कुकी का फंक्शन बेसिकली कुकी को सेट करता है। ठीक है, सेट कुकी का फंक्शन क्या करेगा आपका? कुकी को सेट करेगा। इसमें सबसे पहले आपको वेरिएबल नेम देना पड़ता है। सारे में वेरिएबल्स में काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर नेम इज इक्वल टू उस्मान। क्लियर? और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, क्या पास कर दूं? डॉलर नेम और आगे व्हाट? इसको बेटर हम इसको इसमें यूज करते हैं, इसको रहने दें। मैं यहीं पे ट्रैक वैल्यू दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम, और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ मैं उस्मान। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब इसकी आपने एक्सपायरी भी सेट करनी। एक्सपायरी का मतलब हो गया टाइम, जो भी का टाइम हो रहा है। ठीक है, करंट टाइम पकड़ेगा प्लस आपने कितनी दिनों के लिए आपने इसको रखना है। अब इसको ये मतलब ये है कितने दिनों के लिए रखना है, तो इसको हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि कितने डेज के लिए आपने रखना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट टाइम में क्या होता है आपके पास? सेकंड्स। सेकंड की एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। सेकंड से बड़ा क्या होता है? मिनट। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कि आप यहां पे कहोगे कि 60 मिनट्स में कितने 60 सेकंड, मतलब एक 60 सेकंड्स टोटल 60 मिनट्स में कितने होंगे? तो वो कितने आ रहे हैं आपके पास, मतलब एक मिनट एक घंटे में कितने सेकंड्स हैं आपके पास? 3600। अब आपको अगर मैं कहूं यार आपने बेसिकली ये एक्सपायर हो आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज एक्सपायर हो, तो अब आपको एक दिन तक जाना पड़ेगा। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। ये आपका बेसिकली एक दिन के, ये आपके एक दिन के सेकंड्स हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सॉरी एक घंटे के हैं। उसके बाद 24 का मतलब क्या होगा, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24, तो कितना आ रही है? 86,400। ये आपके बेसिकली एक दिन के सेकंड्स हैं। तब आप यहां पे लिखोगे 86,400, ये एक दिन का हो गया, मल्टीप्लाई बाय कितने दिनों के लिए आपने रखना है? 30 डेज। ये आफ्टर 30 डेज एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बस समझ में आई? ये 86,400 मैंने लिखा कहां से है? In a day, one day, ये एक दिन की है। आपको कैलकुलेशन करके मैंने बता दिया कि 86,400 आपका निकला कैसे। ठीक है, और बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 30 का मतलब होगा 30 डेज तक आपका ऑटोमेटिकली चलता रहे, ये कुकी सेट रहेगा। क्लियर? सॉरी, क्योंकि ब्राउजर पे कोई वैल्यू सेव करानी हो आपने ना, पासवर्ड वगैरह आप कह रहे हो बार बार मैं ना लगाने पड़े, मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम हो जाए मेरा, तो उसके लिए हम टाइम देना आपके लिए मास्टर, एक्सपायरी देना आपके लिए मास्टर। क्लियर? अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। अब हम अगर वैल्यू मैंने शो करानी है वो किस तरह करेंगे? इफ कंडीशन लगाता हूं मैं यहाँ पे, इस सेट का मतलब वैल्यू सेट है,
आपने डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट देखा है, डॉलर अंडरस्कोर गेट देखा है, और क्या देखा है, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट देखा है और इंक्लूड नहीं है, सर्वर देखा है डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, जिसके अंदर सर्वर का नाम आ रहा था, पॉड नंबर आ रहा था, ये आप लोगों ने देखे हुए हैं पॉड नंबर डॉलर अंडरस्कोर सर्वर। अच्छा, अब एक कुकी के लिए हम यूज करेंगे डॉलर अंडरस्कोर कुकी। अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि क्या यूजर नेम के नाम की कुकी सेट है या नहीं, अगर यूजर नेम के अंदर वैल्यू सेव होगी तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। अगर ये है तो इको कर दो डॉलर अंडरस्कोर कुकी को, जिसने आपका पोस्ट चलता है, यूजर नेम की वैल्यू को शो कर दो, ये इको करवा रहा हूँ। आपने इसको वेरिएबल में सेव कराने के बाद वेरिएबल शो कराने, मैंने बेसिकली डायरेक्ट दिया, जैसे आप डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट डायरेक्ट भी वैल्यू दे सकते हो, हम पहले इसको वेरिएबल में सेव कराते थे फिर वो वेरिएबल को इको कराते थे, आप डायरेक्ट भी दे सकते थे, इस तरह मैं कुकी को भी डायरेक्ट दे रहा हूँ। और यहाँ पे दे देता हूँ else echo value not saved। अब इसको जरा हम चलाते हैं, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, आप देखो आपको चलिए कुकीज में हमारी वैल्यू सेव हो गई, स्वान उसने वैल्यू सेव कर दी थी। अब अगर मैं ये सेट कुकी वाला कोड खत्म कर देता हूँ, अब मैं सेट नहीं करवा रहा हूँ, अब मैं क्या करवा रहा हूँ, जस्ट ब्राउजर से ये कौन सा कोड है, गेट करने वाला, ऊपर वाला कोड था कुकी को सेव करा रहा था मैं, और ये कोड कौन से वाला है, गेट करने वाले को आपको शो करा रहा है, किसी भी टैब में ओपन कर लो, किसी भी टैब में ओपन कर लो, ये आपको वैल्यू को शो कराएगा, लेकिन इस ब्राउजर में कराएगा क्योंकि आपकी कुकी सेव कहाँ पे हुई है, ब्राउजर में। हर ब्राउजर की कुकीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, आप उस ब्राउजर पे पहले आपको चलाना पड़ेगा तब जाके वैल्यू सेव होगी, अदरवाइज नहीं होगी, क्लियर बात यहाँ तक। और आफ्टर ये सम टाइम इसको ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाएगा, यहाँ तक कोई मसला आप लोगों को, ये आपका कुकीज का था, आपने अगर एक और कुकी सेव करवानी हो आप यहाँ पे कह दो, इसका नाम मैं रख देता हूँ पासवर्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये वैल्यू, और अगर मैंने ये भी दिखानी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इको डॉलर अंडरस्कोर कुकी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ये आपकी वैल्यू को यहाँ पे शो कर देगा। फर्स्ट टाइम ये आपको सुना करता है, सेकंड टाइम आपको वैल्यू दिखा देता है, क्लियर बात यहाँ तक, कोई मसला यहाँ तक। ये एरर इसलिए दे रहा था यार, वो मैंने ऊपर चेक नहीं लगाया हुआ है, पासवर्ड का भी चेक लगाना पड़ेगा आपको, क्लियर बात यहाँ तक, ओके। ये आपको वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डिलीट हो जाए, मैंने इसको माइनस में कर दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे चलाया। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पे पासवर्ड को बंद कर देता हूँ, अब चेक करना पासवर्ड, थोड़ी बार रिफ्रेश करूंगा, डिलीट हो गया, ठीक है, मैंने प्लस की जगह क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया और कुछ भी नहीं किया। बाकी आपने यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है कि आपने यहाँ पे चेक लगाना है, If is set dollar underscore ये ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है, एंड इस सेट डॉलर अंडरस्कोर कुकी, और दूसरा क्या लिखेंगे आप, पासवर्ड, फिर अब आपको इस तरह का एरर नहीं देगा कि जो बार बार आपको एरर आ रहा है, क्लियर। अब इसने वैल्यू नॉट सेव क्यों नहीं, क्यों कह दिया, क्योंकि आपके पास यूजर नेम है लेकिन पासवर्ड नहीं है, तो एंड का मतलब क्या होता है, दोनों होना ट्रू होनी चाहिए, देन बाद यहाँ तक, इस वजह से वो नीचे आ रहा, वरना यूजर नेम आपका डिलीट नहीं हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे ये कर दूँ पासवर्ड को, और यहाँ पे मैं और लगा देता हूँ, अब ये आपको यूजर नेम शो कर देगा, यूजर नेम हमारा डिलीट नहीं हुआ है, यूजर नेम आपका कुकी में सेव है, जस्ट आपका क्या डिलीट हुआ है, पासवर्ड, पासवर्ड थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया क्योंकि आपने माइनस सिंबल यूज किया था। यहाँ तक आपका लेक्चर था।